हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्या रॉय और आज का वीडियो है KTM बाइक फैंस के नाम। लेकिन उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल इंट्रो बाइक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अगला जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये है दी ऑल न्यू KTM ड्यूक 125 BS6 2020 एडिशन। दोस्तों, अगर आपको चाहिए एक नेकेड स्पोर्ट टाइप रेसिंग स्पोर्टी लुक्स वाला बाइक, वो भी विद इन बजट, तो आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। मैं इसका डिटेल रिव्यू आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इसका वॉक अराउंड लुक्स देख लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बॉडी फ्रेम के बारे में। तो इसमें आपको ट्रेलिस फ्रेम टाइप बॉडी फ्रेम देखने को मिल जाता है और ये बहुत ही लाइट वेट होता है। बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट की तरफ 110/70/16 का टायर और इसमें आपको रियर की तरफ 150/60 का टायर देखने को मिल जाता है। इसके दोनों टायर्स ट्यूबलेस हैं और इसमें आपको रेडियल टाइप टायर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स यानी कि इसके ब्रेक्स के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट की तरफ 300mm डिस्क विथ 4 पिस्टन रेडियली माउंटेड कैलिपर और इसके रियर की तरफ आपको 230mm डिस्क विथ 1 पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर मिल जाता है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS-E देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट लेवल यानी कि इसके सस्पेंशन के बारे में। तो इसमें आपको फ्रंट की तरफ मिल जाता है 43mm अपसाइड डाउन फॉर्क यानी कि जिसे आप USD फॉर्क भी कहते हैं, और इसमें आपको रियर की तरफ जो सस्पेंशन मिलता है वह है 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। तो कंफर्ट के लेवल में तो मामले में ये बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, इसके हार्ट के बारे में यानी कि इसके इंजन के बारे में कहा जाए तो इसमें आपको BS6 कंप्लाइंट 124.7 cc सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FIDOHC इंजन मिल जाता है। 6-स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ इसका मैक्सिमम पावर है 14.5 PS एट द रेट 9250 RPM और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 12 Nm एट द रेट 8000 RPM। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्टी टाइप 125 cc बाइक है। इसके इंजन के ऊपर की तरफ अगर आप फ्रंट की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको एक इंजन रेडिएटर देखने को मिल जाता है क्योंकि ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो कूलिंग प्रोसेस के लिए ये दिया गया है। और इसका इंजन के आप नीचे की तरफ और फ्रंट की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको इंजन बैश प्लेट देखने को मिलेगा। ये स्टोन या दूसरे कुछ एलिमेंट से इंजन को प्रोटेक्ट करता है।
इंस्ट्रूमेंट कंसोल में क्या क्या देखने को मिलता है चलिए देखते हैं। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल कंजम्पशन इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, आरपीएम इंडिकेटर, क्लॉक, इंजन टेम्परेचर, इंजन मेलफंक्शन लाइट, आरपीएम शिफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और एबीएस लाइट देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको लगभग सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाते हैं। KTM Duke 125cc BS6 2020 एडिशन में जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है वो है 10.5 लीटर्स का और इसका जो माइलेज है वो है 40 to 50 km/h। आपको मैक्सिमम 50 km/h तक माइलेज इसमें अचीव हो सकता है। और ऑन द फुल फ्यूल टैंक आप एक बार फ्यूल टैंक को फुल करा के इसमें 420 to 525 km/h तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक फ्यूल इकोनॉमी वाला बाइक भी, रेसिंग बाइक भी हो गया। इसके जो सीट का क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें जो सीटिंग पोजीशन है वो है अपराइट सीटिंग पोजीशन, यानी कि राइडर को पूरा कंफर्ट इसमें मिलने वाला है। और इसका जो सीट हाइट है वो है 818 mm, तो मिडिल हाइट के लोग भी इसमें आराम से बैठ सकते हैं। जैसे 5'5" या उससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सीट के एंड की तरफ आपको एक ग्रैब रेल देखने को मिल रहा है जो बहुत ही स्टाइलिश दिख रहा है। इस बाइक में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो भी बहुत बढ़िया है। इस हिसाब से वो है 175 mm। इसका जो कर्ब वेट है, यानी कि विदाउट पेट्रोल विदाउट फ्यूल इसका जो वेट है वो है 141.4 kg। अब इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको पहले जो बात आता है इसका वो है इसका हेडलैम्प। तो हेडलैम्प में आपको इसमें एक बहुत ही बढ़िया लुक्स देखने को मिलता है। हेडलैम्प का एक मल्टी रिफ्लेक्टर टाइप हेडलैम्प आपको देखने को मिल रहा है और इसमें AHO सिस्टम दिया गया है, यानी कि ऑल टाइम हेडलैम्प ऑन। और इसका जो मेन लैम्प है वो आप ऑन कर सकते हैं, तो इसका रोशनी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और इसका जो इंटेंसिटी है लाइट का बहुत ही बढ़िया है। और इसमें आपको टेल लैम्प LED फुल LED स्ट्रिप टेल लैम्प देखने को मिलता है। और इसका जो इंडिकेटर्स है वो भी देखने में बहुत ही स्टाइलिश और बढ़िया लग रहा है, वो भी LED स्ट्रिप से बना हुआ है। KTM Duke 125cc सेगमेंट में आपको जो टॉप स्पीड मिलता है इस बाइक का वो है 120 km/h, जो बहुत ही बढ़िया है 125cc लिक्विड कूल्ड इंजन के हिसाब से। अब इसके सारे फीचर्स लगभग मैंने बता दिए हैं, तो अब जो मेन बात आती है वो है इसका ऑन रोड प्राइस। तो वर्धमान में इसका ऑन रोड जो प्राइस है वो है 1,78,000 rupees। ये दोनों कलर वेरिएंट्स मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव और बढ़िया लगे। आपको कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा आपको कलर ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ,
आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही KTM वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।